और कुछ लोग हैं जो मुझसे नाराज हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो मैं समझता हूं एक्चुअली, और अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी नाराज होता, क्योंकि उनको कुछ ऐसा बताया गया जो सच नहीं था। उनको ये बताया गया कि आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाहता है। आपको क्या लगता है? तो अगर मुझे भी कोई कहे कि भाई फलाना ढमका जो है वो देश छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा, यार मेरा देश है आप छोड़ के जा रहे हो, इतना बुरा तो नहीं है। तो ये जो उनको बताया गया आम इंसान को, आम नागरिक को हिंदुस्तान के, कि आमिर खान देश छोड़ना चाहता है, आपको क्या लगता है? तो जाहिर बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगता अगर मुझे कोई ऐसा कहता, तो वो मैंने कभी कहा नहीं। तो लिहाजा जो लोग शायद मुझसे नाराज हैं उनकी नाराजगी मैं समझता हूँ, मैं उनको दोष नहीं देता, क्योंकि उनको गलत फहमी हुई है। इसका इसकी कुछ हकदार आप मीडिया भी हैं, जो आपने यही सवाल सबको पूछते गए कि किरण जी आमिर खान जो है वो देश छोड़ना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मैं एक दफ़ा ये साफ कह दूँ सभी को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मरूंगा। ना मैंने देश छोड़ने के बारे में कभी सोचा, ना किरण जी ने कभी सोचा देश छोड़ने के बारे में, और ना आइंदा हम ऐसा कभी कदम उठाएंगे। बल्कि मैं जब देश के बाहर रहता हूँ तो दो हफ्ते से ज़्यादा मैं रह नहीं पाता, आई गेट होम सिक, मुझे वापस आने की जल्दी होती है। मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूँ आमिर, जस्ट टू ऐड, और मैं लिबर्टी लेता हूँ क्योंकि मैं आमिर को बहुत बहुत अरसे से जानता हूँ, और एक इंसान की हैसियत से और एक कवि की हैसियत से भी जानता हूँ। अगर इनका आप काम देखें, और इनके हर काम में समय लगता है, वक्त लगता है, आमिर खान के काम को अगर आप सामने रखते हैं, तारे जमीन पर देखते हैं आप रंगदे बसंती देखते हैं, आप इनके सत्यमेव जयते देखते हैं, आप इनके कामों को देखते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि आप आमिर से ये सवाल पूछें कि वो इस देश के हैं या देश में रहना चाहते हैं। मतलब ये सवाल भी नहीं उत्पन्न होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि इतना वक्त, और अपने आर्टिस्ट जो होता है वो दिल से काम करता है, और इतना उनका बॉडी ऑफ वर्क है जिसको अगर नज़रअंदाज हम करते हैं तो उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। आमिर जी, ये वो कंटिन्यू करेंगे या ये डिसीजन हमारा नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कैन आई ऐड कम इन हियर। मैं दिल्ली चाय शूट कर रहे थे वहाँ पे समोद के पास, व्हेन आई गॉट द फर्स्ट 3 इनक्रेडिबल इंडिया एड्स टू डू, व्हेन आई गॉट द कॉल फ्रॉम मिनिस्ट्री एंड आई कॉल्ड प्रसून जी आप लिखेंगे, इसे हाँ बिल्कुल, एंड कार जर्नी यूज्ड टू बी 2 hours एवरी डे गोइंग टू द लोकेशन, आई कॉल्ड आमिर, आमिर यार इंडिया के लिए करना है, इधर मेरा बिल्कुल एकदम सही है कि नो क्वेश्चन आस्क नथिंग, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट, लेट्स नॉट गो इनटू योर फियर्स, यू विल हैव टू सॉर्ट देम आउट योरसेल्फ। एक मिनट राकेश जी, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। देखिए, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन कोई पहली बात तो यह है, मैं आमिर खुद जवाब दे सकते हैं चीज़ का, पर मैं उनके बिहाफ पे भी बोल सकता हूँ कि ये कैंपेन किसी और वजह से नहीं, इसलिए किया गया है और इसलिए हमने किया, और आमिर ने इसलिए इसके लिए अपना वक्त और प्यार और सब कुछ दिया क्योंकि हमको लगता था कि ये कैंपेन होना चाहिए और ये कैंपेन चलता रहना चाहिए। देखिए, हम लोग रहें न रहें, जिंदा भी न रहें, तब भी ये कैंपेन चलता रहना चाहिए, लेकिन ये कैंपेन आज पैदा नहीं हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है, और ये कैंपेन इसलिए चल रहा है कि इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत रहेगी। तो मुझे लगता है कि इस कैंपेन को विवाद में नहीं लाना चाहिए और इसके साथ अननेसेसरीली इसको ट्रिवलाइज नहीं करना चाहिए, और इसकी गरिमा को समझते हुए जिन्होंने इसके लिए वक्त दिया और आमिर ने ग्रेशियसली इतना वक्त उसको दिया है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। आमिर आपसे ये सवाल है कि आपने तो सफाई दे दी, पहले भी स्टेटमेंट इशू किया था, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने आपको और किरण जी को कितना आहत किया है, कितना हर्ट हुए हैं आप जो रिएक्शन हुआ है? हाँ। और दूसरा सवाल ये कि हाल ही में कई नेताओं ने बयानबाजी की है, जो लेटेस्ट हैं वो उमा भारती जी हैं, जिन्होंने एबीपी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में ये कहा है कि जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में जाकर एक छवि बिल्ड करने की कोशिश की थी इंडिया की पॉजिटिव, उसको थोड़ा सा धक्का लगा है आमिर के बयान से, तो कैसे रिएक्ट करेंगे इन सब बातों पर जी? सबसे तो पहले मैं इसी पे रिएक्ट करता हूँ, जैसे
आप बता रहे हैं उमा जी ने ये बात कही, तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि सभी को ये बताया गया कि मैं एक तो देश छोड़ना चाहता हूँ, ये कहाँ से आइडिया है मुझे पता नहीं कि मैं देश छोड़ने वाला हूँ, और दूसरा ये सभी को बताया गया कि मैंने भारत देश के लिए कहा कि भारत देश इंटॉलरेंट है, ये दो चीज़ें सबको बताई गई। तो जाहिर है ये सुनकर लोग नाराज़ होंगे, तो जो लोग नाराज़ हुए मैं मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं कि वो नाराज़ हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। और आपके ज़रिए मैं ये आज साफ करना चाहता हूँ, आप मेरा अगर इंटरव्यू आपने देखा होगा तो आप तफसील से देख सकते हैं, कहीं पर मैंने ये नहीं कहा है कि देश जो है वो इंटॉलरेंट है। देखिए हर देश में, हर समाज में, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और मेरा ये मानना है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हम सबको बांटने की कोशिश करते हैं, और भारत देश जो है वो इतना विशाल देश है, इसमें अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, इतने सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं, इसमें हर एक प्रांत का अपना एक कल्चर है, अपनी एक जबान है, अपनी एक अपना एक इतिहास है, इसके बावजूद मुझे लगता है पूरे विश्व में शायद ये एक ही ऐसा देश होगा जो इतना खूबसूरत है, जो इतना वाइब्रेंट है, जो इतना अलग है, इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में। मुझे लगता नहीं कि कोई भी और देश होगा इस वर्ल्ड में जो इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हम एक साथ इसमें रहते हैं। तो ये तो हमारे देश की स्ट्रेंथ है, ये तो हमारे देश की ताकत है। इस ताकत में जब भी कोई हमें बांटने की कोशिश करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि फिर हम देश को कमजोर करने की बात करते हैं। तो जब मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज यही थी, और आइंदा भी अगर जरूरत पड़े तो मैं आवाज उठाऊंगा कि इस देश को हम कमजोर ना बनाएं। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री ने भी शायद यही चीज कही है कि देश को हम की एकता हम बनाए रखें, हम इसको बांटने की कोशिश ना करें, हम लोगों में पॉइजन स्प्रेड करने की कोशिश ना करें। ये अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, और मैं कंप्लीटली उनके साथ सहमत हूं इस बात पे, और मुझे भी ये बात लगती है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने देश से बहुत मैं प्रेम करता हूं, और मुझे लगता है कि और मैं बल्कि जो लोग कुछ लोग हैं नेगेटिव जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि ऐसा ना करें, क्योंकि हमारे देश की जो ताकत है वो यही है कि हम इतने अलग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग, फिर भी हम एक हैं, यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और इसको हमें बनाए रखना है। तो यही मैं कन्वे करना चाह रहा था उस वक्त। तो अगर किसी को बुरा लगा हो वो इसकी वजह से बुरा लगा होगा शायद कि उनको अलग बात कही गई है कि आमिर जो है देश को बदनाम कर रहा है, देश इंटॉलरेंट है ऐसा कह रहा है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा, ना मैं देश छोड़ना चाहता हूं, तो ना मैं देश, तो ये जो गलत बातें लोगों को कही गई हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो चाहे वो आम इंसान हो, जरूर उनको ये बात लगी होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा। और मैं आपको दो तीन चीजें और याद दिला दूं। देखिए मैं कहूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को देश प्रेमी कहूं उससे कुछ फर्क, उसका कोई मायने नहीं है। आप मेरे एक्शंस देखिए, पिछले 25-27 साल से आप मेरे एक्शंस देखिए, किस किस्म की फिल्में मैंने की हैं, टेलीविजन शो पिछले 4 साल से जो मैं कर रहा हूं सत्य में जयते, क्या जरूरत है मुझे वो शो करने की? देश से प्रेम है तभी मैं ये शो कर रहा हूं, मैं अपना वक्त निकाल के मैं ये शो कर रहा हूं, और इससे मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेशन बिल्डिंग में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहा हूं, कुछ मैं पॉजिटिव चीज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं कहूं या मतलब मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने आप को कुछ भी कह सकता हूं। मेरे एक्शंस क्या हैं, 1-2 साल नहीं 25 साल से मेरे एक्शंस क्या हैं वो आप देखिए। इंसान के एक्शंस बताते हैं आपको वो किस किस्म का इंसान है। और मैं उस परिवार से हूं, मेरे परदादा जो हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं, उस खानदान से मैं हूं। तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे इस देश से किसी से भी कम प्रेम होगा, किसी से भी कम। और किसी और को मैं कभी नहीं उंगली उठाता कि भाई कोई किसी को मैं कह दूं कि भाई यह देशद्रोही है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत ही बड़ा इल्जाम है। मैं किसी पे ये इल्जाम नहीं लगा पाऊंगा। कितने हर्ट हुए इसको? देखिए हर्ट तो मैं हुआ हूं, और हर्ट मैं इसलिए हुआ हूं कि और भी लोग हर्ट हुए हैं, देश की जनता जो है जिसको ये गलत बताया गया वो हर्ट हुई है, उसके साथ साथ मैं भी हर्ट हुआ हूं। मेरी जवाब पूरा हो जाए? No, no,
या यू नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू, पीपल डोंट नो व्हाट आई हैव सेड एक्चुअली, क्योंकि हर इंसान ने तो वो इंटरव्यू देखा नहीं है, तो लिहाजा जो उनको मोटी मोटी बात बताई गई है उसी पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनके रिएक्शन पर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे समझ से उनको सही चीज बताई नहीं गई है। असलियत यह है कि मैं अपने देश से बेहद प्रेम करता हूँ, और असलियत यह है कि मैं यहाँ से दो हफ्ते से ज़्यादा रह नहीं सकता। अगर मैं बाहर जाऊँ देश से तो मुझे दो हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि मैं लौट जाऊँ। तो आई थिंक कि लोगों जो आप कह रहे थे मुझे क्या हर्ट हुआ, हाँ मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हर्ट हुआ है जिनको लगा कि यार आमिर क्या उटपटांग बातें कर रहा है, तो उनको भी बुरा लगा है, मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन ये गलत फहमी पैदा की गई है जिसका दोष मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी बेरहमी से मेरे अल्फाजों को ट्विस्ट किया। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा ना करें। राकेश जी, आपको इस फिल्म का 10 साल बाद आपको इसका पार्ट 2 बनाने की जरूरत में